चड्डा से टक्कर पर अक्षय कुमार ने कह दी ऐसी बात, खुशी में दो गोलगप्पे ज्यादा खा जाएंगे आमिर खान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। सम्राट पृथ्वीराज की असफलता को भूल अक्षय कुमार आगे बढ़ चुके हैं और अपनी अगली फिल्म रक्षाबंधन के प्रमोशन का श्री गणेश मंगलवार को कर दिया है। अक्षय ने दिल्ली के डिलाइट सिनेमा हॉल में रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज किया और इस दौरान मीडिया से संवाद भी किया है। रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसी दिन आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लालसी चड्ढा भी सिनेमाघरों में उतर रही है। यानी कि बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान मुकाबला अक्षय से होने जा रहा है, जो इस साल की बड़ी टक्करों में से एक है। इस टकराव की इंडस्ट्री के साथ ही दोनों सितारों के फैंस में बीच भी चर्चा जोरों पर है, आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि अक्षय इस टक्कर को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं लगते। ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रेस से बात करते हुए अक्षय ने क्लेश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, यहाँ टक्कर नहीं है, बस इतना है कि दो अच्छी फिल्में एक साथ आ रही है, साथ ही यहाँ त्योहारी वीकेंड भी है। कोविड-19 की वजह से कई सारी फिल्में रिलीज नहीं हो सकी है। अभी भी कितनी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने का इंतजार कर रही है। दो फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना आम बात है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि टक्कर हो रही है। हम अच्छी फिल्मों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों ही फिल्में अच्छा कारोबार करेंगी। दिलचस्प पहलू यह है कि अगर 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक ना होता तो अक्षय और आमिर की टक्कर उसी साल क्रिसमस पर हो चुकी होती। तब बच्चन पांडे और लालसी चड्ढा टकराने वाली थी। रक्षाबंधन का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है, जबकि इसके लेखक हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो है। फिल्म में भूमि पेडनेकर फीमेल लीड रोल में है। बता दें कि अक्षय की इस साल यहाँ तीसरी फिल्म है जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले आई बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लिहाजा रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए बेहद ही अहम फिल्म है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है रक्षाबंधन और लालसी चड्ढा को लेकर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।